भाई आज हमने करना है अक्टूबर नवंबर 2018 पेपर 23। इससे पहले हम लोगों ने 21 और 22 कर लिए और ये उससे काफ़ी सिमिलर है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा। जहाँ जहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं इन डिटेल करवाऊंगा, लेकिन उसके अलावा जनरली ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हैं। अच्छा, सबसे पहले यही वही कि असाइनमेंट सिलेक्शन या रिपीटिशन है वो हमने बताना है। पहले हम लोग दो बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लास्ट लास्ट पेपर से। केस ऑफ है तो सिलेक्शन, एल्स है तो सिलेक्शन, रिपीट रिपीट लूप है, एंड फॉर भी लूप का पार्ट है। उसके बाद असाइनमेंट है, यहाँ पे यहाँ भी असाइनमेंट ऑपरेटर है तो असाइनमेंट। अच्छा, उसके बाद अब हमने स्टेटमेंट्स हैं और हमने उनकी डेटा टाइप्स बतानी है। सबसे पहले इंटीजर है, बहुत आसान है, हम ये इससे पहले दो बार कर चुके हैं तो मैं उस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। चार, उसके बाद -6.3 तो रियल, उसके बाद फॉल्स तो बूलियन, उसके बाद एक स्ट्रिंग है। अच्छा, इसके बाद द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स, फिर आपने यहीं से वैल्यूज उठा के यहाँ पे वो एक्सप्रेशन एवेल्यूएट करने हैं। मॉडल रेफ में ये पढ़ा हुआ है। अच्छा, 5.3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 DEC तो मंथ, कॉलन DEC, ये पूरा स्ट्रिंग बन जाएगा। उसके बाद इंट मेन वैल्यू इंटू टू, मिन वैल्यू -6.3 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 12.6, -12.6, -12.6 में से सिर्फ इंट पार्ट हमने निकाल लेना है तो -12। उसके बाद आस्की ऑफ रिवीजन, रिवीजन रिवीजन की आस्की नहीं निकल सकती क्योंकि ये इंटीजर है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। अच्छा, उसके बाद रिवीजन इज ग्रेटर देन 500, ये है फॉल्स। उसके बाद सर्विस ड्यू इज इक्वल टू ट्रू, सर्विस ड्यू इक्वल टू फॉल्स है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। और सर फ्यूल टाइप इज इक्वल टू पी, फ्यूल टाइप इक्वल टू पी ट्रू है, दरमियान में और लगा हुआ है तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाओ। अब ये वही क्वेश्चन है, आपको फ्लो चार्ट गिवन है और आपने उसे कोड में कन्वर्ट करना है। हम लोग इसे पहले दो बार कर चुके हैं, ये वही क्वेश्चन है कि आपका बोनस कैलकुलेट होगा, ये होगा वो होगा। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं कार्ड नम, कार्ड नम क्या है, एक स्ट्रिंग, उसके बाद पॉइंट्स, उसके बाद स्पेंड कितना है हुआ है वो आपका रेल में आ गया, उसके बाद बोनस, बोनस पॉइंट्स कितने हैं, गेट पॉइंट से आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, गेट स्पेंड से आपके पास स्पेंड अमाउंट आ जाएगी। आपने क्या करना है, पॉइंट्स लेने हैं, स्पेंड लेना है, उसके बाद दो इस लगाने, और आपने अब इसका कोड लिखना है। तो हम लोग डायरेक्ट कोड पे आ जाते हैं, एक सेकेंड देना बस। अच्छा, फंक्शन क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कैलक बोनस, रिटर्न्स, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बोनस रिटर्न कर रहे हैं, और बोनस क्या है, इंटीजर। और यहाँ पे जा रहा होगा एक पैरामीटर, टेक्स द कार्ड नंबर एज द पैरामीटर, तो कार्ड नंबर हमारे पास पैरामीटर है कार्ड नंबर। कार्ड नंबर स्ट्रिंग जो कि हमारे पास है पैरामीटर, और ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर। डिक्लेरेशंस के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमने पॉइंट्स को असाइन करनी है वैल्यू। कार्ड नंबर देंगे और हमें पॉइंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद स्पेंड इसी तरह लेना है। इससे हमारे पास स्पेंड अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हमने इफ लगाना है पॉइंट्स पे, इफ पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 200, 2000, अगर यस है तो हमने बोनस इक्वल्स 200 कर देना है, देन पे बोनस इक्वल्स 200,
एल्स पे हमने क्या करना है, एल्स पे हमने एक और इफ लगाना है ग्रेटर देन 1000 का, देन पे हमने क्या करना है, देन पे हमने बोनस को 50 करना है, वरना बोनस को हमने 10 कर देना है। बोनस इक्वल्स टू 10, ये इसके एंड इफ यहाँ पे आ गया, फिर ऊपर वाले का एंड इफ यहाँ पे आ गया, दोनों एंड इफ जब यहाँ पे जिस जगह पे ये सब मर्ज कर रहे हैं वहां पे हमने बोनस को रिटर्न कर देना। तो रिटर्न बोनस, और उसके बाद हमने एंड कर देना एंड फंक्शन, जो कुछ यूज किया है उसे डिक्लेयर कर लो, डिक्लेयर पॉइंट्स एज इंटीजर, पॉइंट्स के साथ साथ बोनस भी इंटीजर ही है। उसके बाद डिक्लेयर स्पेंड हमारे पास था रियल, दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग दो बार पहले कर चुके। अच्छा अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, द फंक्शन गेट गेट कार्ड नंबर प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू इनपुट अ कार्ड नंबर अंटिल द कार्ड नंबर इनपुट इज वैलिड, जब तक वैलिड नहीं होगा तब तक हम लोग इनपुट लेते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसने खुद बता दिया रिपीट अंटिल यूज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने करनी है वैलिडेशन। अ वैलिड कार्ड नंबर है 16 कैरेक्टर्स, उसकी लेंथ 16 होनी चाहिए और वो सब सब के सब नंबर होने चाहिए। राइट सुडो कोड टू कंप्लीट, ठीक है। योर क्वेश्चन शुड रेफर टू इज नम, इज नम क्या करता है, इज नम एक स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है ना, लेट से ये इज नम इस पे ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये ए बी सी है तो इज नम इस पे फॉल्स रिटर्न करेगा, इसी तरह ए बी 9 5 है इस पे भी इज नम फॉल्स रिटर्न करेगा। इज नम कब ट्रू रिटर्न करता है, जब एक स्ट्रिंग है उसकी सारी की सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल हो। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगा लूँ, इसको ब्लैक कलर का कर देते हैं। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने डेक्लेशन की थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, उसके बाद हम लोग एक बूलियन बनाते हैं वैलिड, जिसको हम लोग स्टार्ट में कह देते हैं कि ये फॉल्स है। अच्छा अब हम लगाएंगे रिपीट लूप, रिपीट क्यों लगाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक बार हमने इनपुट तो लेना ही है, इनपुट एंटर अ वैलिड कार्ड नंबर कॉमा स्ट्रिंग इनपुट, हमने इनपुट ले लिया, उसके बाद हमने देखना है कि ये वैलिड है या नहीं, उसकी क्या कंडीशंस है, स्ट्रिंग इनपुट की लेंथ होनी चाहिए 16, उसने कह दिया 16 कैरेक्टर से मतलब 16 लेंथ होनी चाहिए, और इज नम एस टी आर इनपुट होना चाहिए। अब इज नम इटसेल्फ एक बूलियन रिटर्न करेगा, तो मुझे इज नम इक्वल्स टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं, अगर मैं सिर्फ इज नम भी लिखूंगा तो वो सेम बात ही है, क्योंकि इज नम या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। देन इस केस में हम लोग कर देंगे वैलिड को ट्रू, एंड इफ, उसके बाद मैं लगा दूंगा अंटिल वैलिड। अब यहाँ पे भी मुझे वैलिड इक्वल्स टू ट्रू लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन वैलिड इटसेल्फ एक बूलियन ही है, तो इसका ये मतलब है वैलिड जब ट्रू होगा तो ये कंडीशन निकल आएगी उससे बाहर, अब जब तक ये नहीं होगा वो उससे वैलिडेशन लेता रहेगा। उसके बाद हमने कर देना है रिटर्न एस टी आर इनपुट, और एंड फंक्शन यहाँ पे हुआ हुआ है, ठीक है, इतना सा फंक्शन था हमारा। फिर हम डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर वैलिड एज बूलियन, उसके साथ डिक्लेयर एस टी आर इनपुट एज स्ट्रिंग, सिंपल सा फंक्शन था, बस हमने सिंपल वैलिडेशन करनी थी यहाँ पे। इसके बाद फंक्शन कैलकुलेट बोनस इज रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज,
is tested using black box and does not contain any syntax errors. अब वो कह रहा है कि एक और टाइप के एरर्स नेम भी करो आइडेंटिफाई भी करो. सिंटेक्स के अलावा क्या क्या होते हैं हम लोग लिख लेते हैं. लॉजिकल एरर, यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम डज नॉट प्रोड्यूस आउटपुट, जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता एज एक्सपेक्टेड. मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्रोग्राम नहीं चल रहा होता. अच्छा, द फंक्शन कैलकुलेट बोनस इज टेस्टिंग यूजिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, हर पॉसिबल पाथ को टेस्ट करना. स्टेट टू डिफरेंट पेयर्स ऑफ वैल्यूज फॉर स्पेंड एंड पॉइंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट डिफरेंट पाथ्स थ्रू द फंक्शन. उसके बाद हमने जस्टिफाई करना है अपने चॉइस को. अच्छा, डिफरेंट पाथ्स क्या क्या है, फ्लो चार्ट से देख लेते हैं. एक पाथ है हमारे पास ये, दूसरा पाथ हमारे पास है ये, और तीसरा पाथ है हमारे पास ये. अब इन तीनों पाथ्स के हिसाब से हम लोग वैल्यूज बता सकते हैं. अच्छा, पहले पाथ के लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट्स की वैल्यू हमें 2000 से ज़्यादा करनी होगी और स्पेंड की वैल्यू इसमें कोई भी हो सकती है. तो ये कर लेते हैं, पॉइंट्स की वैल्यू को हम लोग कर देंगे 2000 से ज़्यादा, 2500 कर देते हैं. सॉरी, ये स्पेंड है, स्पेंड को हम लोग कर देते हैं 1000 और पॉइंट्स को कर देते हैं 2500. तो 2500 करेंगे तो वो बोनस मैक्सिमम होगा. अब इसकी जस्टिफिकेशन हम लोग क्या देंगे, टू चेक इफ बोनस इज 100. अच्छा, अब हम 2000 से कम की वैल्यू देते हैं. मतलब अब हम लोग कौन सा पाथ टेस्ट करते हैं, हम लोग ये नीचे वाला बोनस 50 वाला पाथ टेस्ट करते हैं. हम 2000 से कम की वैल्यू देंगे लेकिन स्पेंड को हम रखेंगे 1000 से ज़्यादा. अब हम लोग देते हैं वैल्यू पॉइंट्स में 1900 लेकिन स्पेंड को हम रखते हैं 1500. यहाँ पे अब बोनस होना चाहिए 50. इसके अलावा भी हमें करना होता तो उसमें हम लोग पॉइंट्स को भी 2000 से कम रखते और स्पेंड को भी 1000 से कम. उस केस में बोनस की वैल्यू होनी चाहिए थी 10. अच्छा, नेम टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस एंड स्टेट द रीजन व्हाई इट इज नीडेड. प्रोग्राम मेंटेनेंस क्या क्या होती है, करेक्टिव होती है, अडेप्टिव होती है, परफेक्टिव होती है. हम लोग लिख लेते हैं परफेक्टिव. मेक इम्प्रूवमेंट्स. टू ऑलरेडी रनिंग प्रोग्राम. उसके अलावा करेक्टिव कर दो या अडेप्टिव कर दो. करेक्टिव में क्या होता है, रिमूव एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम. जब आपने एरर्स रिमूव किए तो वो करेक्टिव मेंटेनेंस है. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. एन एरे कंटेन्स 100 इंटीजर वैल्यूज. An algorithm will find the maximum and minimum values stored in the array. A programmer has started to write the program using a conditional loop. Conditional क्या होता है, या तो while या तो repeat until. Name an a more appropriate loop for this task and justify your choice. Array में जब उसने हमें बता दिया कि 100 values हैं, तो अब बेहतर loop है हमारे पास for loop. For loop लिख लो या फिर count control लिख लो. अच्छा, जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफिकेशन ये है कि हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता है. नोन नंबर ऑफ आइट्रेशंस. अच्छा, उसके बाद आउटलाइन द स्टेप्स द प्रोग्राम विल नीड टू फॉलो टू इंप्लीमेंट द प्रोग्राम. Do not write pseudo code. अब आपने बस बताना है कि हम लोग इस प्रोग्राम में करेंगे क्या.
प्रोग्राम में हमने करना क्या था, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी और मिनिमम वैल्यू निकालनी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लूप थ्रू। अच्छा, लूप थ्रू से पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे। हम लोगों के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम फर्स्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ हम लोग कोई बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू लें। फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे फॉर मिन एंड मैक्स। मिन और मैक्स दोनों में हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू एरे की इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद लूप थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, हमने सब एलिमेंट्स से लूप थ्रू करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कंपेयर करना है, कंपेयर देम टू मिन एंड मैक्स। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, अपडेट मिन या मैक्स इफ वी फाइंड अ न्यू मिन और मैक्स। अगर उसे कोई छोटी या कोई बड़ी वैल्यू मिलती है तो हम लोगों ने उसे अपडेट कर देना। अच्छा, क्वेश्चन फोर पे आ जाओ। क्वेश्चन फोर में इसी तरह फिर आपके पास एक कोड गिवन है और सबसे पहले आपके पास एक टेबल है जिसमें आपने बताना है अलग अलग चीज़ें। द नेम ऑफ अ ग्लोबल आइडेंटिफायर, ये हम लोग पहले दो बार कर चुके हैं तो मैं इस पर थोड़ा सा जल्दी करूँगा। ग्लोबल ये दोनों हैं, इनमें से कोई एक बता दो। हम लोग लिख लेते हैं लास्ट एलिमेंट। उसके बाद नेम ऑफ अ यूजर डिफाइंड प्रोसीजर, यूजर डिफाइंड प्रोसीजर यहाँ पे है, कॉल जहाँ पे हो रहा है इंसर्ट। उसके बाद स्कोप ऑफ एरे इंडेक्स, एरे इंडेक्स कहाँ पे, एरे इंडेक्स है फंक्शन के अंदर तो इसका स्कोप हो जाएगा लोकल। उसके बाद नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ दिस एरे, दिस एरे कहाँ पे है, दिस एरे, दिस एरे, दिस एरे, ये रही दिस एरे, 2D एरे है तो इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी 2। उसके बाद स्कोप ऑफ न्यू डेटा, न्यू डेटा कहाँ पे, न्यू डेटा, न्यू डेटा, न्यू डेटा, न्यू डेटा कहाँ पे डिक्लेयर्ड है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा न्यू डेटा। तो न्यू डेटा भी हमारे पास बेसिकली, अच्छा न्यू डेटा आपके पास एक पैरामीटर है तो इसका स्कोप भी लोकली होगा, विद इन फंक्शन ही है। पैरामीटर्स का स्कोप भी विद इन फंक्शन ही होता है, ग्लोबल नहीं होता। अच्छा, डिस्क्राइब इन डिटेल द पर्पज ऑफ लाइन 107 से 114 इन द अपडेट फंक्शन, डू नॉट यूज सुडो कोड। 17 से 114 यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। अपडेट सबसे पहले क्या कर रहा है, न्यू डेटा लेके आ रहा है। उसके बाद एरे इंडेक्स डिक्लेयर हो रहा है, फाउंड डिक्लेयर हो रहा है, एरे इंडेक्स 1 पे इनिशियलाइज हो रहा है। व्हाइल एरे इंडेक्स इज लेस देन लास्ट एलिमेंट, जब तक एरे इंडेक्स लास्ट एलिमेंट से छोटा है और फाउंड फॉल्स है, मतलब जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती तब तक आप उसे ढूंढ रहे हो। इफ दिस एरे का फर्स्ट कॉलम, मतलब कि हम हर रो पे जा रहे हो उसका फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं, न्यू डेटा से बड़ा है, उस केस में हम लोग फाउंड को ट्रू कर रहे हैं, एल्स हम लोग एरे को बस इंक्रीमेंट कर रहे हैं इंडेक्स को। तो हम लोग बस एक एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जो कि न्यू डेटा से बड़ा है, तो हम लोग लिख लेते हैं आइटरेट थ्रू दिस एरे 1 एलिमेंट एट अ टाइम। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं हर रो के फर्स्ट कॉलम को, कंपेयर कॉलम 1 ऑफ ईच रो टू न्यू डेटा।
अगर आपकी वो वैल्यू न्यू डेटा से बड़ी है, इफ एलिमेंट इज ग्रेटर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप को एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट द लूप। इफ नॉट ग्रेटर, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एरे इंडेक्स, एरे इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जो भी गिवन वैल्यू है फाइंड कर रहे हैं कि उससे बड़ी एरे में पहली कौन सी वैल्यू है। अच्छा, लाइन 118 ऑफ द फंक्शन अपडेट कॉल्स द सब रूटीन इंसर्ट, ये देख लेते हैं हम लोग। लाइन 118 में जाते हैं, 118 इंसर्ट को कॉल कर रहा है एरे इंडेक्स कॉमा न्यू डेटा। अच्छा, वो क्या कह रहा है, अ डिजाइनर डिसाइड्स टू कन्वर्ट इंसर्ट फ्रॉम अ प्रोसीजर टू अ फंक्शन। प्रोसीजर से फंक्शन का क्या मतलब है कि पहले हम उसे कॉल करके कॉल कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर वो फंक्शन कॉल करेंगे। इंसर्ट रिटर्न्स टू ट्रू और फॉल्स, तो अब इंसर्ट क्या कर रहा है, इंसर्ट बूलियन रिटर्न कर रहा है। अच्छा, द प्रोग्रामर मस्ट अमेंड द फंक्शन अपडेट एज फॉलोज। अब हमने अपडेट में कुछ चेंजेस करने हैं। इफ इंसर्ट रिटर्न्स फॉल्स, उस केस में हमने क्या करना है, अपडेट रिटर्न करेगा -1। इफ इंसर्ट रिटर्न्स ट्रू, देन द अपडेट रिटर्न्स द वैल्यू इज नॉर्मल। तो बेसिकली अब हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है इस जगह पे। हम लोगों को एक नया वेरिएबल बनाना है, उसमें हमने इंसर्ट कॉल करना है। अगर तो इंसर्ट ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो हमने एज यूजल जो चल रहा था वही चलेगा, एरे इंडेक्स 0 आउटपुट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, उस केस में हमने एरे इंडेक्स को -1 करके रिटर्न करना। तो हम लोग सेम कोड लेते हैं, क्योंकि उसने तो हमें प्रोग्राम कोड का, प्रोग्राम कोड हमने करना नहीं है, तो हमने सेम सूडो कोड ले लिया, बस इसमें अब हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम एक बुलियन बना लेते हैं, फाउंड के साथ साथ एक और बुलियन बन जाएगा। इस बुलियन को हम कह देते हैं लेट्स से इंसर्ट, तो बूल इंसर्ट, बूल इंसर्ट बना लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे और इसको चेंज कर देंगे, बूल इंसर्ट इज इक्वल टू ये। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक चेक लगाना है, इफ बूल इंसर्ट इज इक्वल टू फॉल्स। अगर वो फॉल्स है, उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में हमने एरे इंडेक्स कर देना है, एरे इंडेक्स को -1 एंड इफ। और अगर वो नहीं है फॉल्स, तो फिर एरे इंडेक्स जो नॉर्मली रिटर्न होना चाहिए वही रिटर्न होगा, और रिटर्न हो जाएगा एरे इंडेक्स जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है। और जस्ट इन केस बूल इंसर्ट फॉल्स है, उस केस में एरे इंडेक्स हो जाएगा -1। बस इतनी सी हमने चेंजेस करनी थी, बाकी सारा का सारा सेम ही रहेगा। इसके 8 मार्क्स इस वजह से क्योंकि उसने आपको बेसिकली जो मेन टास्क था ना, मेन टास्क था इसको प्रोग्रामिंग कोड में चेंज करना। प्रोग्राम कोड में हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने करना ही ये सूडो कोड में, तो इस वजह से ये आप लोग को थोड़ा आसान लग रहा होगा। अच्छा, द फंक्शन अपडेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मॉड्यूल विद इन अ प्रोग्राम, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म दैट सपोर्ट्स द ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज बिटवीन मॉड्यूल्स। हम उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स, पासिंग पैरामीटर्स विच कैन बी डन। 2 मार्क्स हैं तो थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है। बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू फ्रॉम 1 मॉड्यूल टू अनदर। अच्छा, उसके बाद 4 array इज अ 1D array ऑफ टाइप 4, इट कंटेन्स 200 एलिमेंट्स। अच्छा, राइट प्रोग्राम कोड टू चेंज ऑल द न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन 4 array टू स्टेरिक। सिंपल सा कोड है। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक सिंपल लूप लगाना है, फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 200, 200 एलिमेंट्स है। हमने क्या करना है, एक सिंपल इफ लगाना है इसके अंदर, इफ 4 array का आईथ एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 एंड 4 array आए
लेस देन इक्वल है 9 के। अगर इन दोनों के दरमियान में है, मतलब वो न्यूमेरिक है, उस केस में हमने क्या करना है, चार एरे आई को शेयर कर देना है, मतलब सेम एलिमेंट पे हमने स्टेरिक स्टोर कर देना है। उसके बाद एंड इफ, उसके बाद नेक्स्ट आई, और हम आई को डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर आई एज इंटीजर। जो उसके बाद प्रोग्रामर डिसाइड्स टू डिक्लेयर लास्ट एलिमेंट एज अ कांस्टेंट इंस्टेड ऑफ अ वेरिएबल, राइट अ स्टेटमेंट इन सुडो कोड टू डिक्लेयर लास्ट एलिमेंट एज द वैल्यू 200। तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम लोग करते हैं कांस्टेंट लास्ट एलिमेंट, उसके बाद हम लोग क्या देंगे, इक्वल टू 200। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फंक्शन हमने बनाना है रीड फाइल लाइन, जो कि एक स्पेसिफिक लाइन सिर्फ पढ़ेगा टेक्स्ट फाइल में से। इसके दो पैरामीटर्स हैं, पहला है फाइल नेम जिसमें से आपने पढ़ना है, उसके बाद फाइल लाइन जो कि आपको नंबर बताएगा आपने किस नंबर से वो रीड करना है। इसकी अब हम लॉजिक बनाते हैं, और ये सुडो कोड, अब इस सुडो कोड से हमें क्या पता चल रहा है कि फाइल रीड फाइल लाइन एक फंक्शन होगा जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग में क्या रिटर्न करेगा, इस स्पेसिफिक लाइन पे जो भी डेटा होगा। हमने करना क्या है, फाइल फाइल नेम को ओपन करना है, रीड ईच लाइन फ्रॉम द फाइल अंटिल लाइन फाइल लाइन लाइन इज फाउंड और द एंड इज रीच्ड। उसने आपको कंडीशंस बता दी, दो कंडीशंस हैं जब तक आपने रीड करना है। पहली कंडीशन क्या है कि या तो आपको फाइल लाइन मिल जाती है, अगर फाइल लाइन नहीं मिलती और एंड ऑफ फाइल उससे पहले आ जाता है तो तब भी आपने लूप एग्जिट कर देना है। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं आया और फाइल लाइन मिल गई तब भी आपने एग्जिट कर देना। उसके बाद इफ द फाइल लाइन एग्जिस्ट, फिर हमने चेक करना है कि फाइल लाइन एग्जिस्ट करती या नहीं करती। अगर तो करती है तो हमने रिटर्न कर देना है वो स्ट्रिंग फ्रॉम दिस लाइन, अदरवाइज हमने ये रिटर्न करना है। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा सोचो। लेट्स से आपके पास ये एक फाइल है, मैं आपको कहता हूँ इस फाइल का नेम जो भी है ए डॉट टी एक्स टी, मैं आपको ए डॉट टी एक्स टी देता हूँ, उसके साथ मैं कहता हूँ फोर, तो मुझे फोर्थ लाइन चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस फाइल को ओपन करूँगा रीड मोड में, मैं एक लूप लगाऊंगा जो कि तीन लाइंस पहले ही रीड कर लेगा। रीड फाइल क्या करता है, आप लोगों को याद हो तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि रीड फाइल क्या करता है। रीड फाइल आपका, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंटर बना हुआ है, एक इमेजिनरी पॉइंटर हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, जो कि एक फाइल के अंदर बना होता है, पहली लाइन पे होता है। जब हम पहली बार रीड फाइल कॉल करते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो पहले जो जहाँ पे ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इसको रीड करेगा, स्ट्रिंग में सेव करेगा और पॉइंटर को आगे ले जाएगा। फिर अगली जब बार जब मैं रीड फाइल कॉल करूँगा वो इस लाइन को रीड करेगा, पॉइंटर को आगे ले जाएगा। तो हमने इस पॉइंटर को कहाँ पे लेके जाना है, हमने इस पॉइंटर को लेके जाना है जब तक फाइल लाइन नहीं आ जाता। फाइल लाइन जब तक नहीं आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक लूप लगाएंगे और तब तक रीड फाइल करते रहेंगे जब तक फाइल लाइन नहीं आ जाती या तो एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाती। इन दोनों में से किसी एक आइटरेशन पर हम लोग करते रहेंगे, जैसे ही वो उस पर आ जाएगा तो हम लोग उसे रीड करके छोड़ देंगे। हमने रीड करके छोड़ दिया, अब हमारे पास फाइल डेटा में क्या पड़ा होगा, ये इस लाइन का डेटा जो हमें चाहिए, लाइन नंबर 4 चाहिए। हम लोग चार बार रीड फाइल करेंगे, चौथी बार हमारे पास लाइन नंबर 4 आ जाएगी, फिर इस लाइन नंबर 4 को हम लोग रिटर्न कर देंगे अगर ये एग्जिस्ट करती है। अगर इससे पहले ही एंड ऑफ फाइल आ जाता है, लेट से इस फाइल में लाइन 0 थी, एंड ऑफ फाइल पहले आ गया, उस केस में हम लोग एग्जिट कर देंगे और चार स्टेरिक्स आउटपुट कर देंगे। बस इतना सा कोड है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रीड फाइल लाइन में हमारे पास हैं दो पैरामीटर्स, फाइल नेम एज स्ट्रिंग, उसके बाद है फाइल लाइन एज इंटीजर, और रिटर्न कर रहा है हमारे पास ये स्ट्रिंग। अच्छा, डिक्लेरेशन की थोड़ी सी जगह छोड़ दो। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपन फाइल, फाइल नेम और रीड, रीड मोड में ओपन किया। उसके बाद हम लोग कह लेते हैं लाइन, लाइन एक वेरिएबल है हमारा जो कि लाइन नंबर हमारा बता रहा होगा, हमारा करंट लाइन नंबर, अभी लाइन को हम लोग रखते हैं 0। इसके बाद हम लूप लगाएंगे, वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस हैं एग्जिट करने की, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल में हम लोग दे देंगे फाइल नेम
या तो एंडोफाइल नहीं होता, या तो हमारा लाइन इज नॉट इक्वल टू फाइल लाइन। जब तक हमारी फाइल लाइन तक नहीं पहुंचती लाइन, हम लोग क्या करेंगे, रीड फाइल करेंगे और इसको हम लोग सेव कर देते हैं फाइल डेटा में, साथ ही हम लोग लाइन को इंक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं एंड वाइल। अब अगर दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो ये हो सकता है कि ये लूप एग्जिट करेगा इसकी वजह से, एंड ऑफ फाइल की वजह से, या तो ये हो सकता है कि वो लूप इस वजह से एग्जिट करेगा। अगर तो इस लूप ने लाइन इज इक्वल टू फाइल लाइन की वजह से एग्जिट किया, क्योंकि तब एग्जिट किया जब लाइन और फाइल लाइन इक्वल हो गए थे, उस केस में इसका ये मतलब है कि अभी जो फाइल डेटा में डेटा पड़ा हुआ है ना, वो हमारा उसी लाइन के जो हमें चाहिए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास फाइल लाइन थी 4। लाइन सबसे पहले 0 था, जब 0 से 1 हुआ तो एक बार फाइल रीड होगी, जब 1 से 2 हुआ तो दूसरी बार फाइल रीड होगी, जब 2 से 3 हुआ तीसरी बार फाइल रीड होगी, जब 3 से 4 हो गया तो चौथी बार, मतलब फोर्थ लाइन हमने रीड कर ली। फोर्थ लाइन रीड के बाद यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इज नॉट इक्वल टू फॉल्स रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो लूप एग्जिट हो गया। लूप एग्जिट हुआ, फाइल डेटा के अंदर कौन सी लाइन पड़ी है, फोर्थ लाइन पड़ी हुई। तो फाइल डेटा के अंदर हमारे पास अब करंटली फोर्थ लाइन पड़ी, लेकिन ये कब हो सकता है, जब फाइल लाइन और लाइन इक्वल हो गए। अब हम लोग एक चेक लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि एंड ऑफ फाइल की वजह से ये लूप एग्जिट हुआ है या लाइन पहुंचने की वजह से। तो हम लोग कह देते हैं इफ लाइन इज इक्वल टू फाइल लाइन, अगर तो ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब है कि हम लोग सही पहुंचे। एक काम करते हैं, नॉट इक्वल टू करते हैं। नॉट इक्वल टू क्यों कर रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग कह देंगे फाइल डेटा इज इक्वल टू स्टैटिक 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 स्टैटिक, एंड इफ, उसके बाद हम लोग करेंगे क्लोज फाइल, उसके बाद हम लोग कर देते हैं रिटर्न फाइल डेटा, क्योंकि इन केस हम लोग उस फाइल तक पहुंच गए थे फिर तो हमें फाइल डेटा को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हमें चेंज करने की कब जरूरत है, अगर हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे। अगर हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे मतलब हमारी हेड से मुझे फाइल लाइन चाहिए 5, लेकिन हमारे पास जो फाइल है उसके अंदर टोटल 2 लाइन्स लिखी हुई, जब हम तीसरी लाइन पर जाएंगे क्या होगा, एंड ऑफ फाइल ट्रू ट्रू हो जाएगा, एंड ऑफ फाइल ट्रू होगा तो नॉट फॉल्स हो जाएगा, नॉट एंड ऑफ फाइल फॉल्स होगा, ये लूप एग्जिट हो जाएगा। लूप एग्जिट होगा, इस लाइन की क्या वैल्यू, लाइन की वैल्यू तो 2 ही है क्योंकि 2 बार हम लोग गए और फाइल लाइन है 5, उस केस में अब 2 इज नॉट इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब है कि पहले ही एंड ऑफ फाइल हो गया था, हम लोगों ने 4 स्टैटिक्स रिटर्न करने, इस केस में फिर हम लोग 4 स्टैटिक्स रिटर्न करेंगे। अदरवाइज अगर हम लोग फाइल लाइन तक पहुँच गए थे तो हम लोग जो उसकी स्पेसिफिक लाइन है वही रिटर्न करेंगे। इतना सही कोड था, सिंपल सा था, यहाँ पे आप लोगों का पेपर ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी ये सारे, मुझे पता है ये पेपर काफ़ी फास्ट गया है, लेकिन इसी वजह से क्योंकि पहले 2-3 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम थे आपके, मैंने पेपर 21 में भी करवाए, 22 में भी करवाए, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन ऑलरेडी हो रही थी। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया, इसमें कोई भी मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, वरना फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई थिंक ये हम लोगों का सबसे कोई प्रॉबेबली फास्टेस्ट पेपर होगा, आई थिंक आधा घंटा भी नहीं हुआ लेकिन ये हो गया। तो खैर कोई भी मसला हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बहुत आसान पेपर था। अल्लाह हाफिज़।